भी सूची है, रिपोर्ट लगातार पर्यवेक्षक जो है वो प्रभारी को दे रहे हैं, कहाँ तक संगठन का काम पहुँचा है, कब तक आपको उम्मीद है कि फाइनल लिस्ट आ जाएगी? देखिए, आज जो है सारे पर्यवेक्षक रिपोर्ट देंगे प्रभारी जी को, उसके बाद वो आंकलन करेंगे और जिला प्रधान बनाने की बात है। पहले इस महीने में जिला प्रधान बनने की पूरी आशा है, बन जाएंगे। क्या सर, इसमें दो तरह की रिपोर्ट है, कुछ सेंट्रल ऑब्जर्वर है, कुछ स्टेट ऑब्जर्वर है, दो अलग अलग रिपोर्ट दी जा रही है हर जिले से, क्या सर ऐसा कुछ? सबको बुलाया है, उन्होंने ऑब्जर्वर दी, दो दो तीन तीन हैं, सबको बुलाया है उन्होंने, सबसे बात करेंगे। बात की वो कह रहे कि दोनों रिपोर्ट्स है, जिनकी उन्हें बात की, वो कह रहे हैं कि दोनों रिपोर्ट्स अलग-अलग हैं, एक लिस्ट में कुछ और नाम है, एक लिस्ट में कुछ और नाम है। पता नहीं, मैंने देखे नहीं। आपको देखे? आपने देखे? नहीं सर, ऐसा चर्चाएं कि दो चर्चाएं, तो चर्चाएं चलती रहती हैं, इस बात का पता नहीं, लेकिन ये है प्रभारी जी सबसे बात करेंगे, सबके विचार पूछेंगे असलियत क्या है। करनाल में बहुत जबरदस्त हमारा सम्मेलन हुआ और पंडित जी ने वहाँ किया, कुलदीप शर्मा जी ने संयोजक थे उसके, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, हर वर्ग से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला है। और उससे एक बात सीधा संकेत है कि लोग 36 बिरादरी मन बना चुके हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मन बना चुके हैं, क्योंकि ये सरकार जो है ये हर मोर्चे पे विफल है। अब देखो, किसान है, जीरी आई पड़ी है, कहेंगे हम खरीदे 1 अक्टूबर से करेंगे, 1 अक्टूबर का मतलब ये है कि 75% जीरी तो किसान की बिक जाएगी, कम भाव में बिक जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी एक भी फैसला इस सरकार का जनहित का नहीं होता है, और ये और बल्कि उल्टी समस्याएं डाल दी, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, और वो जाने की बात है। और ये आपने देखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, तो वो तो एक प्राइवेट कंपनी का मुनाफा का कमा रहे थे वो, ये बीमा जो है सरकारी कंपनियों से होनी चाहिए, राष्ट्रीयकरण होनी चाहिए, जैसे LIC है। और रोटेटरी फंड से हमने रायपुर में कांग्रेस से प्रस्ताव पास किया है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो है फसल बीमा जो है वो नेशनलाइज कंपनियाँ करेंगी, मतलब जिस प्रकार से LIC। ये अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर सर जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, इसमें तमाम विपक्षी दल शामिल है, हरियाणा में क्या रहेगा सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस में और अब इंडियन नेशनल लोकदल ने भी संकेत दिए कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये जो शुरुआत हुई है, जो विपक्षी पार्टियाँ मिली हैं, ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों मजबूत होंगे तो प्रजातंत्र मजबूत होगा, और कोई भी एक भी पक्ष कमज़ोर होगा तो प्रजातंत्र कमज़ोर होगा। तो इस वास्ते अब जो शुरुआत है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है। तो ये सीट से लेकर सर आम आदमी पार्टी और कैसे होगा, क्योंकि पंजाब के कैसे होगा, इनेलो और आम आदमी पार्टी जिसका जो बनता है, मान लो पंजाब में उनकी सरकार है, उनसे बैठ के बात होगी। सर, पंजाब में आपके स्टेट लीडर जो है वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से हम किसी सूरत में गठबंधन नहीं करेंगे, तो हरियाणा में क्या? नहीं, मैंने कहा हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है, आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 MP हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन सर अलायंस होगा तो सीट शेयरिंग भी करनी पड़ती है, तैयार है अगर आम आदमी, जिसका जो होगा, यहाँ आम आदमी पार्टी का जो अभी आदमपुर में लड़ी थी होती है, आदमपुर आम आदमी जमानत भी नहीं बची, सीट का क्लेम करने का भी आधार होना चाहिए। खैर, वो बाद की बातें हैं, लेकिन शुरुआत अच्छी है। अलबत्ता कांग्रेस को उनसे कोई परहेज ना हो, और इंडिया जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है उसमें भी इनेलो जो है उसकी नींव जो है वो इनेलो नहीं रखी। सवाल इस बात का नहीं है उनको परहेज है नहीं, किसको परहेज है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है।
तो 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। तो किसी तरीके मेरा और क्या मतलब हुआ, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। हुड्डा साहब, न्यू वायलेंस की बात करें तो आज पुलिस ने मोनू मानेसर को डिटेंशन में लिया है, तो उसको कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आप लगातार जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे, आज पुलिस ने मोनू मानेसर को डिटेंशन। मैं तो आज भी मांग ये है कि वहाँ पर जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के मान, क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल हो गई। और मुख्यमंत्री का ये बयान आया था, ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है ये कौन बताएगा, जुडिशियल इंक्वायरी बताएगी ना। पर मोनू मानेसर की जो आज व्यक्तिगत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जुडिशियल उसमें कोई हो, मोनू हो और कोई हो, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और ये जो है किसकी कमी से हुई, कौन साजिश करता थे, सब बात खुलनी चाहिए और सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी द्वारा ही पता। गोपी धनखड़ जी कहते हैं कि जो नू हिंसा हुई है उसमें पूरी, गोपी धनखड़ जी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि पूरी की पूरी साजिश जो थी वो कांग्रेस की साजिश थी नू हिंसा को लेकर। तो ही तो मैं कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी कराओ हाईकोर्ट के जज के अंदर, पता लगना चाहिए सर कौन किसकी सोची साजिश वो थी, पता लगना चाहिए। सर मामन खान भी एसआईटी सामने पेश नहीं हो रहे जांच को लेकर विधायक हैं, तो उनको वो जाने भाई, तो उनसे पूछो आप। कांग्रेस के अंदर सर कार्यकर्ताओं ने काफ़ी भिड़ंत जो है वो बीते दिनों देखने को मिली, दो एक एसआर के गुट का जिक्र करें, एक आप ही के गुट का जिक्र करें, दोनों ही गुटों के जो कार्यकर्ता, कोई गुट नहीं है राजनीति कांग्रेस में, कोई गुट बंद नहीं है, कोई गुट बंद नहीं है, नारेबाजी हो ये तो ये दिखाता है कांग्रेस में लोग जान है, जो भी राजनीतिक दल है अगर मतलब उसमें हो ये तो ऊर्जा। सर जो लेटर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया था, जो लेटर जारी किया गया था उसमें साफ लिखा गया था कि इस दौरान किसी भी तरह का अगर शक्ति प्रदर्शन होता है या नारेबाजी होती है तो वो अनुशासनहीनता होगी। आप एज ए सीनियर लीडर क्या मैंने तो लेटर देखा नहीं सर, मैं बता रहा हूं जिनने लेटर जारी किया वो उनकी जिम्मेवारी है सर, नाम मांगे गए हैं प्रभारी ने भी अभी शामिल अभी जा रहा है, और जब संगठन की घोषणा हो जाएगी उसके बाद तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, मजबूत होगा संगठन, मजबूत संगठन बन के उभरेगा, मजबूत वो तो बीजेपी में है ये जूता पुजारी। हाँ आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ, कहीं भी साफ दिखाई नहीं दिए, ना बरिंदर सिंह जी दिखाई दिए, ना राव इंद्रजीत दिखाई दिया, कोई भी नहीं दिखा वहाँ। उनसे पूछो हमारे साथ कांग्रेस एक हो गए, एक है भाई कांग्रेस से कोई गुटबंद नहीं, हमारे पास तो और कोई सवाल ही नहीं है। नहीं सर, ये अब ये सवाल जो था तो सर पूछा ही जाएगा, सवाल तो मैंने जवाब दे दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये बिल्कुल बयान दिया कैमरे पर आकर कि हरियाणा में सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की कांग्रेस खत्म हो गई, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही, ये आप इसको कह रहे थे कि ये तीन नेता इकट्ठे हुए हैं आपके खिलाफ है? तीन नेता नहीं मेरे कोई खिलाफ नहीं है, ये तो तुम्हारी ये बनाई हुई कहानियाँ हैं। प्रजातंत्र है, कांग्रेस प्रजातंत्रिक पार्टी है, उसमें सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, क्या इसमें कहें तो फैसला हाईकमांड कर लेगी। सर हाल ही में करमाल में आपने बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रबल दावेदार हूँ, उसको लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि जो व्यक्ति खुद अपनी दावेदारी जो है वो पेश करता है उसकी दावेदारी पर सवाल उठने लाजमी। तो और कौन दावेदार है, तो दावेदार आप भी दावेदार हो गया, हो जाए दावेदार, सवाल इस बात का नहीं है। मैंने ये कहा कि जो लोग चाहेंगे, जो विधायक चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बन गया। आप तू सवाल पूछ जाने का भी आप दावेदार हो, तो मैं कह दूंगा नहीं हूँ, मैं हूँ दावेदार, बाकी तो फैसला लोग करेंगे, हरियाणा की जनता करेगी। उनका कहना है कि एक तरफा रवैया नहीं चलेगा हरियाणा कांग्रेस के अंदर, नहीं चलना चाहिए, पहले भी नहीं चलना चाहिए था। सर एक डीएमके के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडिया अलायंस बना है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्म है, तो आप उसको कैसे देखते हो जो लगातार इस बात की चर्चा हो रही है? मैं तो हर धर्म की इज्जत करता हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मेरी आस्था जिस धर्म में मैं वो आस्था उस भी है मेरी। तो आपको क्या लगता है जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? मेरे को पता नहीं, मैंने बता दिया, मेरे से पूछा मैंने अपना बता दिया, मैं हर धर्म में आस्था रखता हूँ, अपने धर्म मेरी आस्था है, बाकी हर धर्म का सम्मान करता हूँ। सर उदयनिधि स्टालिन द्वारा जो बयान दिया गया था सनातन धर्म को लेकर,
सनातन धर्म को लेकर जो स्टालिन ने बयान दिया था उसकी जो है वो अच्छी खासी निंदा हो रही है, और जो केंद्र सरकार के जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से मैं कह चुका हर व्यक्ति को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। सर राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट आई है, ये देश सारे धर्मों का है, विभिन्न भाषाओं का है, सब धर्मों का है, इवन वेशभूषाओं का है। जब भी गांधी जी ने एक किया सब देश आजाद हुआ। राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट आई है कि बीजेपी इज नॉट कंसर्न्ड विद हिंदू और हिंदुइज्म, दे आर जस्ट पावर हंटर्स एंड वो तो दिख ही रहा आप। राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं, आप भी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं। आप इतने के बाद कहाँ से दिखाई दिया भाई, कहाँ चला गया था? मैं तबीयत खराब थी सर, हैं बीमार था सर। अब ठीक है, चलो। तो जन मिलन जो कार्यक्रम शुरू किया उसके क्या सिस्टम रखा आपने, जैसे इन्होंने जनसभा शुरू किया बीजेपी में, आपने भी उसी तरह पे जन मिलन? नहीं, हमारे अलग अलग कार्यक्रम है कांग्रेस के। जन मिलन जो कार्यक्रम है, फिर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, राहुल गांधी आए भारत जोड़ो कार्यक्रम चला, फिर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला। जो जन मिलन सम्मेलन है उसमें मतलब शहर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं, जैसे वकीलों का वर्ग आएगा, डॉक्टर्स आएंगे, किसान आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे, दुकानदार आएंगे, वो सब अपनी अपनी बात करते हैं, वन टू वन होता है, उसमें कोई माइक या भाषण नहीं होता। सर नेक्स्ट दिन क्या है सारे कार्यक्रम? 8 तारीख को जींद। आप तो आते नहीं चंडीगढ़ से, बाहर जाते नहीं आप लोग? कार्यक्रम मेरा पूछते हो, कार्यक्रम मेरा पूछते हो चंडी, वहाँ बाहर जाते नहीं चंडीगढ़ से? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट चारों तरफ चर्चा है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें तो कोई दो है। धान वो मंडियों में पहुंच चुका है लेकिन अभी तक खरीदारी जो है वो नहीं। नहीं, मैं तो कह चुका हूँ अभी, पहले आप सो गए थे मेरे ख्याल में, शुरुआत ही वहीं से की थी मैंने। हैं नहीं नहीं, बैठे थे यहीं सब तो पहले सवाल इसने पूछा था, एक तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए। 1 अक्टूबर से इन्होंने कहा है, 1 अक्टूबर तक तो 75% किसान की जीरी मंडी में चली जाएगी, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो तो नुकसान में जाएगा। ये पूछ लिया था, पूछा पता नहीं किसने पूछा था, पर तुम आप बैठे थे यहीं। सर आपने कहा कि पार्टी में जा रहे हैं तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं, जैसे हमने देखा कि कितना अस्वस्थ है आप कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी और बीजेपी ने जैसा नारा दिया था। ऐसा है, ऐसा ऐसा है, हरियाणा के 36 बरादरी हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इस सरकार से ऊब चुके हैं। मंत्री संदीप सिंह के ऊपर सर जिस तरीके के एलिगेशन लगे थे, चार्जशीट भी अब जो है वो पब्लिक हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं सरकार का ये? मैं तो पहले दिन से कह रखा है कि भाई कोर्ट में केस है, कन्विक्शन होगी, एक्विटल होगी, वो फैसला होगा, कोर्ट करेगा, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला ना हो, मॉरल ग्राउंड पे इतने गंभीर चार्जशीट लगी है, मॉरल ग्राउंड पे संदीप सिंह जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। हुड्डा साहब, आप पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन हो रहा है, उसमें कांग्रेस ने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि जितने भी यूनिफॉर्म्स है एम्प्लॉइज की, हैं यूनिफॉर्म्स है एम्प्लॉइज की वो पार्लियामेंट में, उन पे लोटस लगा हुआ है, तो कांग्रेस ने उसकी ऑब्जेक्शन किया है भाई लोटस नहीं होना चाहिए उनकी यूनिफॉर्म की एम्प्लॉइज को, आपको क्या लगता है? देखो कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मतलब प्रजातंत्र में और ख़ासतौर पर पार्लियामेंट में कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसको न्यूट्रल होना चाहिए। सर आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिल्ली में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, और आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिल्ली में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों की तैयारी पर वहाँ पर जो रोड मैप है वो बनाया जा रहा है। बनाए, सबको अधिकार है, अभी एक पार्टी है वो बनाए, हमारा तो बना हुआ है, वो तो बना रहे हैं, हमारा तो बन के तैयार हो चुका है। सर बेसहारा पशुओं को लेकर के सरकार कह रही है कि अगर अब जो हादसे होंगे तो 5 लाख रुपया उसको मुआवजा राशि मिलेगी, आपको लगता नहीं कि किसी बेसहारा पशु को लेकर के मुद्दा न उठाया कि हम उनको पालेंगे? आज जो सड़कों पर घूम रही तो आप कह रहे हैं हादसे की जगह 5 लाख, किसकी जिम्मेवारी पर?
गौशालाओं क्यों नहीं देते, गौशालाओं में क्यों नहीं ये गौशालाओं को ये अनुदान देते सर? जिस तरीके से अब इनसे पूछ रहे सबको सर, जिस तरीके से आपने हालांकि जवाब तो दे ही दिया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी भिड़ंत हो रही है, नेताओं में जो है मनमुटाव देखने को मिल रहा है, कोई मनमुटाव भी मैं कह चुका कि अपने आप ही बना रहे हो, एक रॉन्ग मैसेज स्टेट में एक रॉन्ग मैसेज तो जाता है, तुम भेजते हो ये कोई मनमुटाव नहीं है।